अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आपकी बहुत अच्छी गुजरी होगी। और आज मैं आपसे वैसे ये रूटीन शेयर करूँगी, थोड़ा सा बताऊँगी मैं क्या बना रही हूँ। तो चलें जी, मैंने ना आज सोचा कि मैं कीमा आलू बना लेती हूँ। कीमा मटर बनाने का इरादा था, लेकिन ऑब्वियसली मटर घर में अवेलेबल नहीं थे। और फिर जो है अब मैं बनाने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने ना कीमा जो है वो बॉईल करने के लिए रख ली है, और साथ ही मीनवाइल में इसके अंदर थोड़ा सा ये मैंने जो गरम मसाला है उसके सारे जो आइटम्स हैं ऑलमोस्ट 2-3 आइटम्स लाइक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, ताकि वो स्मेल जो है वो चली जाए। बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करना, वरना कीमा काला हो जाता है बनने के टाइम ना, तो उसका कलर जो है वो काफ़ी अजीब सा हो जाता है। तो ये मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। हल्का सा इसको दो दफ़ा बॉयल्स जब आ जाएंगे, मीनवाइल साथ मैं कटिंग कर लूँगी और फिर इसको मैं निकाल के रख लूँगी, और फिर मैं मसाला बना के उसके अंदर इसको डाल के भून लूँगी। कीमा आलू बनाने का इरादा है। चलें जी साथ साथ आप भी देखें। ओके जी, ये प्याज 2 मीडियम प्याज की मैंने कटिंग कर ली है, और साथ हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने कट कर ली हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैंने पोटैटोस कट करने हैं। और कीमा जो है यहाँ पे बॉईल हो चुका है, मैंने जो है फ्लेम ऑफ कर दिया। और यहाँ पे अगेन मैंने पेस्ट बनाना था, फ्रोज़न टोमेटोज़ पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इन्हीं का पेस्ट बना लेती हूँ। 2 मैंने टोमेटोज़ लिए हैं, 2 हरी मिर्चें ली हैं, लहसुन अदरक ली, और थोड़ा सा अगेन गर्म मसाला लिया, बिल्कुल थोड़ा सा। तो इनको मैं पेस्ट बना लूँगी, और बस जी इंशाल्लाह आप स्टार्ट करते हैं सालन बनाना। ओके जी, ये मैंने आप जो है प्याज गोल्डन होने के लिए रख दिए हैं, और ऑयल मेरे पास, मैंने कल करेले बनाए थे, करेले जी मटर और करेले बनाए थे, क्योंकि मैंने बिल्कुल वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, तो उसका ना फ्राई करने वाला ऑयल पड़ा हुआ, तो मैंने वही यूज कर लिया है ताकि ऑयल वेस्ट ना हो। मैं इसको फ्राई करूँगी, फिर मसाला बनाते हैं। ओके जी, अब ये मैंने इसके अंदर क्या किया है कि मैंने इसके अंदर पेस्ट वगैरह ऐड कर लिए, प्याज फ्राई हो चुके थे, और अब मैं इसके अंदर ना ड्राई स्पाइसेस ऐड करने लगी। ड्राई स्पाइसेस में मैं कोई और ऐसी चीज़ ऐड नहीं करी जिससे इसका कलर ब्लैक ना हो जाए। तो मैंने क्या किया है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1.5 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च, जो ये रेड चिली पाउडर है वो ऐड कर दिया है, और एक ये जो है 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है, वो भी कलर अच्छा करने के लिए। बाकी मैंने और कोई जो है इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया। ये ड्राई स्पाइसेस मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, तो बस इसकी अच्छे से भुनाई कर दी है। 20 से 25 मिनट तो लाजमी हमें इसकी भुनाई करनी चाहिए सिर्फ मसाले की। फिर उसके बाद कीमा डाल के, और मीनवाइल मैंने पोटैटोज़ भी कट कर लिए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो उनको फिर डाल के उसके बाद भुनाई करके फिर हम इनको थोड़ा सा प्रेशर लगा देंगे। और ये मैंने पोटैटोज़ बिल्कुल छोटे छोटे मज़े मज़े के बारीक से, ना बहुत बारीक भी नहीं है, 1 सेंटीमीटर तो ऑलमोस्ट इनकी है विड्थ, इतने मैंने कट कर लिए। चलो जी गाइस, तो अब आपको ये नज़र आ रहा है कि इसमें सरफेस पे जो है ना ऑयल वो आ चुका है, और बुनाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर जो है कीमा आलू वो ऐड कर दूँगी, और मज़ीद बुनाई करेंगे। चलें जी, ये ऐड हो चुके हैं, इनको मैं मिक्स करती हूँ, और दोबारा से मैं आप इसकी बुनाई स्टार्ट करती हूँ। जी गाइस, तो अब इसकी बुनाई स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, कीमा जो है ना, आप लोग मुझे बताइएगा कि किन किन लोगों को पसंद है। मुझे कीमा चाहे कीमा मटर हो, कीमा आलू हो, कीमे वाले सैंडविच हो, तवा कीमा हो, कुछ भी हो, कीमा किसी भी फॉर्म में मुझे पसंद है, और आई लाइक इट वेरी 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 मच। और मुझे कीमा और वाली इससे बनी हुई सारी चीज़ें पसंद हैं, कीमा करेले भी मुझे पसंद है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कितना पसंद है, अच्छे से बनाई करेंगे। हरी मिर्चें मैं अभी ऐड कर देती हूँ इसमें, और फिर एंड में हम हरा धनिया ऐड कर देंगे। चलिए जी, हरी मिर्चें भी ऐड हो गई हैं, इसकी बनाई करेंगे। अच्छा, मैं बीच में जो है इसको मसाला जब बन रहा था, तब मैं इसको चूल्हा बिल्कुल फ्लेम जो है ना वो स्लो करके, और मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने, और अब आई हूँ इसको देखने। तो ये जी काफ़ी इसका मसाला जो है वो रेडी हो गया था, साथ साथ हम अपने काम भी कर लेते हैं, और बस बुनाई करने में तो इतना टाइम लगता है साथ साथ। और एक और चीज़ जो आप ही मोस्टली जो है गर्ल्स ये करती होंगी कि किचन में जब भी हांडी बन रही हो ना, सालन बन रहा हो, तो मेरी ये कोशिश होती है कि किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। लाइक आपने जो भी, अब मैंने जो भी इसके साथ बर्तन वगैरह यूज़ किए हैं, कटिंग की थी पोटैटोज़ की, इसके अलावा अनियंस की, और इसके अलावा जिसमें कीमा रखा हुआ था बाउल में, साथ ही वो मैं सिंक में ना वॉश करती जाऊँगी, सो दैट वो गंदी ना बने। और किचन में जब भी आप खाना बना के बाहर निकले, तो मेरी ये कोशिश होती है कि ऐसे लगेगी कि नो किचन में कोई काम हुआ ही नहीं है, ऐसे लग रहा हो, हांडी भी बन चुकी है। तो चलिए जी, अब मैं साथ साथ बर्तन भी वॉश करने लगी थी, और बुनाई साथ साथ हो रही है। अब मैंने इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड कर दिए, सालन ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। बस 2 मिनट के लिए मैं इसको प्रेशर लगाऊँगी, और साथ साथ मैं रोटी बनाने लगी हूँ।
सी गाइस, आर सालन इज़ रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये अभी मैं खाने लगी हूँ। जो भी खाना चाहिए आप हमारे घर आ सकते हैं।